2024 के लिए कहां दिल्ली के मुख्यमंत्री सपना देख रहे थे पीएम की गद्दी पर विराजमान होने का, कहां वो इस बात से खुश हो रहे थे कि उनकी आम आदमी पार्टी भी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ऐसे में वो भी आगे चलकर पीएम मोदी की जगह पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन उनके 45 करोड़ के आशियाने ने किसी हद तक उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और तो और, पीएम मोदी के बाहरी देशों के दौरे विपक्ष के हर नेता को बताने के लिए काफी है कि असल में पीएम मोदी की जगह कहाँ है और उनके खुद की जगह कहाँ है। अब जब पीएम मोदी को जनता की नजरों में गिराने की, उनको भ्रष्टाचारी बताने की, उनको अनपढ़ बताने की, उन्हें सत्ता के नशे में चूर बताने की सभी कोशिशें फेल हो गई, तो लगे हैं पीएम मोदी को लेकर भविष्यवाणी करने। अब आम आदमी पार्टी पीएम मोदी को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रही है और लग रहा है जैसे ऐसी भविष्यवाणी कर जनता को भ्रमित करना चाह रही है, जनता के मन में डर पैदा करना चाह रही है आम आदमी पार्टी। तभी तो कह रही है कि पीएम मोदी अगर 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो संविधान बदल देंगे, खुद को राजा घोषित कर देंगे। जी, यही कहा है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने। कहा है अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हुई तो संभव है कि अगली बार देश में कोई आम चुनाव ही ना हो। संभावना है कि वो संविधान ही बदल दें और जब तक वो जीवित रहे तब तक के लिए खुद को राजा घोषित कर दें। और इससे क्या होगा वो भी सौरभ भारद्वाज ने बताया है। उन्होंने कहा है अगर वो इस देश के राजा होंगे और इस देश की आजादी जिसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए खो जाएगी। सुनिए सौरभ भारद्वाज को। देखिए, बड़ा मामला अब ये है कि अगर विपक्षी दल एक होके नहीं लड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार देश में चुनाव ही ना हो। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष को कुचलने में लगी हुई है, साम दाम दंड भेद सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के छापे जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के यहाँ लग रहे हैं और उनको जेल में ठूसा जा रहा है, इसकी पूरी संभावना है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो सारे के सारे संविधान को बदल कर डिक्लेयर कर देंगे कि अब जब तक मोदी जी जीवित रहेंगे वही इस देश के राजा बने रहेंगे। और इस देश के अंदर जो हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दे के आज़ादी पाई है वो आज़ादी जो है इस देश से खत्म हो जाएगी। भारद्वाज को ट्रोल होते भी देर नहीं लगी। जो असुरक्षा की भावना पीएम मोदी के लिए उनके मन में थी उसे उन्होंने कह तो दिया, लेकिन जनता ने भी बता दिया है कि पीएम मोदी को लेकर जनता के मन में क्या है। सुधीर भार्गव नाम के यूजर ने लिखा, विपक्षी दलों को सिर्फ लूटपाट गाली गलौच और भ्रष्टाचार की आजादी चाहिए। देश की जनता सब समझती है, लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। दिनेश पंत नाम के यूजर ने लिखा, इसके लिए मोदी जी 2024 का इंतजार क्यों करेंगे, ये काम वो अभी भी कर सकते हैं मूर्ख अधिराज। जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि जितना तुम उसे समझते हो। सीधे सीधे कहो कि अगर मोदी जी 2024 में फिर आ गए तो शीश महल के भ्रष्टाचारी फिर कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए छटपटाहट है सब भ्रष्टाचारियों में। अरमान पांडे नाम के यूजर ने लिखा, जी बिल्कुल यही होना चाहिए, देश में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए क्योंकि केजरीवाल से देश को कोई उम्मीद नहीं है, आतंकवादी समर्पित पार्टी है आम आदमी पार्टी। संजय जादौन नाम के यूजर ने लिखा, पार्टी चला रहे हो या तबेला, अभी भी नहीं समझे, जनता को तुम्हारी नौटंकी पता चल चुकी है, कभी जनता के सामने पहुंचा करो, खुद ही चुनाव नहीं लड़ोगे। सूरज नाम के यूजर ने लिखा, मोदी सरकार ने भले ही सारा कचरा साफ ना किया हो लेकिन एक जगह इकट्ठा तो कर ही दिया है, अब कचरा वाली गाड़ी आने का समय है, 2024 बस फिर देश से कचरा बाहर। तो कुछ इस तरह से लोगों ने सौरभ भारद्वाज को जता दिया कि सौरभ भारद्वाज की बात पर किसी को विश्वास नहीं है और 2024 में मोदी का आना ही देश हित में है। वैसे बीजेपी ने भी इस तरह के बयान के लिए सौरभ भारद्वाज को बख्शा नहीं है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सौरभ भारद्वाज के दावों को मूर्खतापूर्ण और बचकाना करा दिया। उन्होंने कहा, बचकाने आरोप लगाने के बजाय भारद्वाज को बताना चाहिए कि उनकी पार्टी उन पार्टियों और नेताओं को भी गले लगाने के लिए इतनी बेताब क्यों है जिन्हें केजरीवाल गाली देते थे और उनके भ्रष्ट होने के आरोप लगाते थे। हम सबने देखा है कि कैसे विपक्षियों को अपने साथ लाने के लिए बेताब है केजरीवाल। पहले जिनको भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी बोलकर केजरीवाल तंज कसते थे अब उन्हीं के पास जाकर गले मिल रहे हैं।
क्यों? ताकि इकट्ठा हुआ जा सके और पीएम मोदी को सत्ता से हटाया जा सके। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। पीएम मोदी की देश के विदेश में भी लोकप्रियता देखकर लगता है कि वे लोगों के दिलों में बसते हैं और दिल से निकाल पाना आसान नहीं होने वाला है किसी के लिए भी, न कांग्रेस के लिए और न ही आम आदमी पार्टी के लिए। वैसे सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह से जनता को भटकाने का प्रयास किया है, जिस तरह से पीएम मोदी का नाम लेकर संविधान और उनके राजा बन जाने का दावा किया है, इस असुरक्षा के भाव के लिए, सौरभ भारद्वाज के इस बयान के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।